बजट आएगा उस बजट के अनुरूप मैं अवश्य कोई न कोई काम इसमें जो चार पांच हैं, शौचालय है, कंप्यूटर वालों है, बाउंड्री वालों है, ग्राउंड नु है, आम अवश्य कराड़ी दूंगा। पर तमाम सत्य के अनुरोध एक अच्छो अच्छो भणवो है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं भी एक परिवार से हूं। मेरा घर सांसरपुर पाडली से ठेठ खरवेंडा सुराता माल चौकी की बॉर्डर पे, तो पाडली से सांसर मतलब घर से पाडली आने में 5 किलोमीटर दूरी रहती है, और मैं वहां से ठेठ जोतरी तक भी पैदल पढ़ने आया हूं। मतलब कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम एक माँ बाप है गांव वाला सब तमें हम सोचोगा कि हम पास पैसा नहीं, हम पास साधन नहीं, तमार सुरु हरते भणावो, और शुरू भी सूझी लेगा कि मार बापा पास पैसा नहीं है, साधन नहीं, मो नहीं भणो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। माँ बाप ये ठान लेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चा भी ये ठान लेगा तो वो अवश्य आगे बढ़ जाएगा। और इसी सोच के अनुरूप आप लोगों को चलना है, और सबसे बड़ा धन यही है, इस बेड़ा का उद्धार यही है, यहाँ जो बैठे हैं वही है, यहाँ कितनी भी सड़कें बना देंगे, कितने भी एनिकट बना देंगे, कितने भी भवन बना देंगे, कितने भी हेडपंप खोद देंगे आप सबके, वो उद्धार नहीं है। उद्धार आज है नित की, यहाँ से पढ़ के अच्छे लोग निकलेंगे तो आपका, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में हमारे समाज में एक धारणा पहुंच गई है, क्या विकास, विकास नाम का एक कीड़ा घुस गया है। विकास क्या है, हमको इंदिरावास मिल जाना चाहिए, बाथरूम मिल जाना चाहिए, लाइट कनेक्शन हो जाना चाहिए, हेडपंप मिल जाना चाहिए, और रोड हो जाना चाहिए, ये विकास समझते हम। मैं इस चीज का विरोधी नहीं हूं, पर हमारा उद्धार वहां चीज नहीं है। हेडपंप देखे हैं मैंने 5 साल पहले खुदे, और भी पानी नहीं आ रहा है, वो चीज भी हम कराएंगे। पर मुझे ये दिखता है मेरी सोच के अनुरूप कि हमारा विकास यहां है, हमारा कल्याण यहां है, कि आज शुरू बनेगा तो सब थी जाएगा, हमारा शुरू अगर नौकरी लगी क्यों तो पेलो 12,000 में बाथरूम आवे की जरूरत नहीं पड़ेगा, कि मस्त बाथरूम बनावेगा, पेलो 1.5 लाख में पेलो आवे इंदिरावास की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मस्त मकान बना भी देगा, और बोर खड़ा देगा 600 फीट में, 200 फीट नो हेडपंप की जरूरत नहीं पड़ेगा अपने। तो सबसे बड़ा धन ये है, ये नहीं है मैं आज इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, वो चीज भी आपकी भावना के अनुरूप मैं कराऊंगा, कि जहां जहां आवश्यकता है हेडपंप की है, जो रोड की है, वो सब कराएंगे। लेकिन हमारा विकास ये है, बेड़ा नो नाम थाएगा न्यूज थाएगा, आज मार भी घर वाले मार परिवार वाले बना जो नहीं होता, आज तमार वैसे मार फलानो मार परिवार नो नाम नहीं थतो, कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, सुविधा नहीं थी, अभाव में पढ़ाया मेरे घर वालों ने, तो मैं आज बैठा हूं यहाँ, यहाँ सभी स्टाफ बैठा है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं असुविधा में ही पड़ा है, ऐसा कोई नहीं होगा मेरी जानकारी के अनुरूप कि उनको पूर्ण सुविधा मिल गई होगी, और वो पूरी सुविधा प्राप्त करके पढ़ के नौकरी लग के आ गए, ऐसा लगभग कोई नहीं होगा। तो हमें ये ठानना है, हमारे गांव वाले बल्ले ठहरता कि सोर वाले से कही गया एमएलए साहब, गांव वाला बल्ले नहीं कही गया, सब एकजुटता रख ली है समाज में अपने, कहीं ऐसी ऐसा नहीं है, सब अच्छाई भी है, हमें कहीं कहीं बुराई है, उस बुराइयों को छान छान के उसको दूर करना है। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, क्योंकि मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, पर नॉलेज जरूर था थोड़ा बहुत, ना तो सरपंच का कभी रहा, सरपंच भी नहीं बना, कभी डेलीगेट भी नहीं बना, कभी जिला परिषद या जिला प्रधान कुछ नहीं बना, सीधा विधायक बना। तो इसके बाद मुझे ये लगा कि हमारा मेरा विधायक का आज तक का क्या काम रहा है, बस पुलिस केस कि आ लपड़ो था जो पेलो लपड़ो था जो जगह वालों ने लाड़ी वालों ने बस, और अब तक का मैंने मेरा जो रिकॉर्ड हुआ है शायद 70% वही मामले आए मेरे पास। कोई ये नहीं आता है कि एमएलए साहब हमारे बच्चों का ये करना है, कि मेरे बच्चों को वहां पढ़ाने भेजना है तो इसके लिए क्या करना है, मेरे बच्चों को वहां ट्रेनिंग करानी है, मेरे स्कूल में ये कराना है, 10% भी नहीं है ऐसे मामले, वही आते हैं मेरे पास, बस लड़ाई झगड़ा जमीन और लास्ट बस हेडपंप ने इंदिरावास ने रोड, हम वहां सीमित गए। मतलब ये हमारे लिए बहुत घातक है, हमारी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा और तभी हमारा उद्धार होगा। अपन सब मिलके नई सोच और नई ओमिंग आप लोगों ने की है, और आप लोगों ने कहीं कहीं आप सबका परिवर्तन हुआ है, मन भी परिवर्तन हुआ, मानसिकता परिवर्तन हुई है, तो ये बदलाव जरूर आया है, इतना आने वाले समय में और आएगा, पर मन में थोड़ा ढाबू पड़ेगा, परत बदली ना बाद मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे में धैर्यता नहीं है, धैर्यता रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाप दादा कही गया है धीरे ना सिरा उतावना पड़ जा, तिराणी जी ने भी ध्यान रखो। और आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रित किया, फिर सबको लगेगा कि पहल की सिस्टम है, मुझे सिस्टम ने अनुसार नहीं कि मुझे बार घोषणा कर दूंगा ये मैं करा दूंगा अंत में ताली बजाड़ी दूंगा तो कहीं मजो नहीं आएगा, एटले मैं घोषणा नहीं करवा चाहूंगा और अवश्य करा दूंगा इस चीज को मैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने हमारी जो समस्या विद्यालय की गांव की तमाम प्रकार की जो समस्या सुनी।